दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व अलर्ट यूनिट के साथ। हम बात कर रहे हैं आपके लिए मौसम का लेटेस्ट अलर्ट। दोस्तों मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में फिर से अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जारी हुआ है 13 जिलों में और साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है उसमें बहुत भारी बारिश हुई और बारिश ने अपना भयंकर तांडव रचा है। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट व अलर्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों अपडेट न्यूज आपके निकल कर आ रही है दैनिक भास्कर से। उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश, ग्वालियर चंबल संभाग सहित 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश पर जमकर मेहरबान है। बीते 24 घंटों में ग्वालियर चंबल संभाग बुंदेलखंड के कुछ जिलों सहित रीवा सतना में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में गुना, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रायसेन, छतरपुर, सागर, दमोह, अनूपपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़ में नदी नाले उफान पर है। सिंगारा नदी की निर्माणाधीन पुलिया के कारण आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है जिससे खेतों में रहने वाले 5 परिवारों के लोग फंस गए हैं। परिवार के लोगों और जानवरों को बचाने के प्रयास में 45 वर्षीय परिवार का एक मुखिया पानी में बह गया है। ग्वालियर में 14 घंटे में 64.5 मिलीमीटर बारिश। दोस्तों अंचल में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। ग्वालियर में 64.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मानसून सीजन की कुल बारिश 790.6 मिलीमीटर और 93.7 मिलीमीटर बारिश की कसर रह गई है। इस सीजन में अब तक 696.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वर्ष 2013 के बाद इस बार अगस्त तक इतनी बारिश दर्ज की गई। डबरा और भितरवा में 8 घंटे में 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से नोन नदी के उफान आने से दौलतपुर रिझोर मार्ग के रिपोर्ट पर 4 फीट पानी चलने लगा है। इससे कई गाँव का डबरा भितरवा से संपर्क टूट गया है। बात करते हैं घाटी गांव क्षेत्र में साग नदी का पुल पानी में डूब गया है। बाढ़ का पानी पुल के 5 फीट ऊपर बह रहा है। 15 गांवों का आसपास में संपर्क टूट गया है। बढ़ते पानी से ग्राम आंतरी और डांग चराई पूरी तरह डूब चुका है जबकि घुड़वाली, कचना का पूरा, तकिया का पूरा, सीताराम का पूरा आदि की स्थिति में गंभीर बनी हुई है। यहाँ भी पानी कभी भी पहुंच सकता है। दतिया तालाब, ओवरफ्लो, रेलवे अंडर ब्रिज में भर गया है पानी। दोस्तों जिले में 17 घंटे में 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लक्ष्मण तालाब ओवरफ्लो हो गया है और अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। ग्राम बगदा में एक कच्चा मकान गिर गया है। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। दोपहर 12 बजे तक सड़क पर पानी था और सन्नाटा छाया हुआ था। टीकमगढ़ की बात करें तो अचानक पानी बढ़ने से 50 फीट तक बहा एक व्यक्ति। दोस्तों बारिश के कारण 8:30 बजे अचानक सिंगारी नदी का पानी बढ़ गया और पानी बढ़ने के अपने जानवरों को पानी से निकाल रहा था 45 वर्षीय खचोर बह गया। 50 फीट तक बहने के बाद उसे मौके पर मौजूद गांव के लोगों ने पानी की सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद खचोर ने अपनी 42 वर्षीय नेत्रहीन पत्नी सहित बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी लोगों को निकलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद टीम ने अपने नाव वाहन से नीचे उतारी और 30 मिनट के रेस्क्यू के दौरान खचोरे और पुनिया की 10 बकरियों को बाहर निकाला। बांध सुजारू बांध से भी लगातार ही हर 2 दिनों में गेट खोले जा रहे हैं जिससे धसान नदी में पानी का बहाव ज्यादा है। बारिश से देरी से रोड पर बने हुए रिप्टा पर पूरे दिन पानी रहा जिससे यहां से वाहन नहीं निकल रहे हैं और वहीं चंदला बछौन मार्ग की अवरुद्ध रहा जहां पर सलह नदी उफान पर है। बीते 24 घंटों में कहां कितनी बारिश। दतिया में 83, ग्वालियर में 56, टीकमगढ़ में 42.7, नौगांव में 37.2, सतना में 24.4, होशंगाबाद में 26.9, रीवा में 21.6, नरसिंहपुर में 15.0 और बैतूल में 17.2, गुना में 13.7, सागर में 10.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दोस्तों यह था अभी तक का बारिश का भयंकर तांडव जो कि MP में जारी है और साथ ही मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों के लोग सावधान रहे, सजग रहें और अलर्ट रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को इस तरीके आप शेयर करें, लाइक करें ताकि सभी लोग अलर्ट रह सके और आने वाली परेशानियों से बच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।